राम राम जी। अभी क्रेटा का वीडियो देखे थे ना, सिर्फ ब्रेक की रस्टिंग की वजह से ब्रेक नहीं लगे और भड़ाक देनी उछल गई और दोनों सोकर ऐसा फट गया, टूट गया दोनों सोकर। तो किसी गाड़ी को ब्रेक चेक करना बहुत जरूरी है। वेंटो आई है हमारे पास, इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं और रीस्टोर करेंगे ब्रेक को। तो पास में जरा एक एक बारीकी चीज पे बात कर लेते हैं। ये देखो डिस्पैड की थिकनेस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्पैड में, लेकिन यहाँ देखो आप रस्टिंग कितनी ज्यादा है, देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्क्रैचेज, बहुत ज्यादा रस्टिंग है। तो इसको हमने क्या करना है, या तो चेंज करो या फिर इसे रिपेयर कराओ। तो चेंज का मसला ये है कि चेंज मान के चलो कि 8 से 10 हजार रुपए चेंजिंग में लग जाते हैं खाली रूटर का, लेकिन यदि इसको रिपेयरिंग कराते हैं तो कम खर्च आता है। मान के चलो 500-700 रुपए खरादिया ले लेगा दोनों साइड के, इसको टर्न कर देगा, जो भी जंग है जो भी लाइनें हैं उसको पूरा प्रॉपर क्लीन कर देगा। तो हम बात करने वाले हैं इसके ब्रेक को रिस्टोर करने का, सिर्फ डिस्क रूटर को, कि रिस्टोर करने का क्या प्रोसेस है रिस्टोर करने का। चेंज करने का तो जानते हो, उठाया इसका खोला बढ़ा देने चेंज कर दिया, लेकिन रिस्टोर का क्या प्रोसेस है वो सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो इसको खोलो और इसको लेथ मशीन पे ले आके करवाते हैं। बस इधर देखो, तो डिस्पैड अभी नया ही डलवाया इन्होंने हाल फिलहाल ही मुझे लग रहा है, लेकिन सिर्फ रस्टिंग की वजह से देखो हार्ड हो गए ब्रेक, और फिर ब्रेक नहीं कम, ब्रेक कम लगेंगे, अब फिर कोई वही सोकर माउंट कुछ ब्रेकर पे जाके भड़ाक देने लगेगी, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो उधर का भी निकालो जरा, ये डिस्पैड यही चल जाएंगे, ठीक है। हम इसके कार्बन को खाली जो हार्ड हुआ है उसको हटाएंगे, बस इसको भी निकालो डिस्पैड को। इधर देखो इसके भी कार्बन को हमने हटाना होगा बस। तो भाई ये कैलिबर हमने खोल दिए हैं, ठीक है, अब इसके रूटर को, इस रूटर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो उधर के भी रूटर लेके आओ जरा, दिखाओ जरा। दोनों रूटर खोल लिए हैं और ये देख सकते हैं कितना, इधर तो बहुत ज्यादा करके जंग लगा हुआ है, तो ब्रेक लगेगा नहीं, इसको रिस्टोर करवाते हैं। अब देख सकते हैं पूरी टोटली खराद मशीन है, इस खराद मशीन पे हम इसे रिपेयर कर देंगे, हल्का सा कटर मशीन से कट कर देंगे, तो जो भी ये रस्ट है जिसकी वजह से ब्रेक पकड़ सही नहीं करती है वो रस्ट छूट जाएंगे और नया डिस्पैड डाल दिए तो फिर मजा आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं डिस्पैड प्रॉपर लग नहीं रहा है जंग की वजह से, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का इधर लग रहा है, हल्का इधर लग रहा है, बीच में भी बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है। तो यानी जितना ब्रेक है उसका आधा ब्रेक लग रहा है, इतना पकड़ करना चाहिए तो आधा ही पकड़ कर रहा है, और इसमें ब्रेक फेल होने के चांसेज होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ टूल लगाएंगे, इस टूल से कटिंग करेंगे बस, जंग को छुटाएंगे और एक समान पॉलिश हो जाएगी बस। डबल टूल लगा रहे, एक उधर का एक इधर का, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। अब इन्होंने गियर लगा दिया और इसे अब हो जाएगा 10 मिनट में या पूरा कटिंग हो जाएगी। अब कटिंग हो रही है प्रॉपर, देख सकते हैं टूल से कटिंग हो रही है और दोनों साइड में हो रही है, इधर भी हो रही है कटिंग और इधर भी हो रही है कटिंग, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाएगा। तभी मैं वीडियो को करता हूँ पाउस और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये कटिंग हो गई है, दूसरी अभी दो पीस होती है तो एक हो रही है, अरे कटिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं जो भी रस्टिंग है वो हट गया, तो इतना चौड़ा है, अब ब्रेक पैड इतने पे पकड़ करता है, तो अब ब्रेक पैड जो है अच्छे पकड़ करेंगे दोनों तरफ से, देख सकते हैं कितना, और प्लस इसकी जो थिकनेस है ये भी कम नहीं हुई, सबसे पहले थिकनेस प्रॉपर का प्रॉपर ये पूरा है तो थिकनेस कम नहीं होना चाहिए, और इससे इस तरीके से ये कटिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं डिस फेस, यानी लेथ पे टर्न करना पड़ता है डिस टर्न। तो इस तरीके से आप डिस फेस करवा के कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है, और ब्रेक की पकड़, अब इस पे ब्रेक की पकड़ इतनी जबरदस्त हो जाएगी ना कि मजा आ जाना है। अब ज़्यादा जैसे अभी एक बार तो हो सकता है, अब ज़्यादा जैसे ये डिस बहुत ज़्यादा कट जाए, बहुत ज़्यादा पतले हो जाए, तब उसको नहीं कराना है, फिर उसको चेंज करना है, लेकिन अभी एक बार की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको फिट करो जरा, जैसे हार्डनेस आ गई है तो अभी इसको हार्डनेस छुटाएंगे पेपर से, पेपर नंबर P150 से। अभी इसका कार्बन छूटा है जो हार्ड हो गया था, जैसे ये हार्ड है ना, तो ये भी हार्ड हो गया और डिस्क भी हार्ड हो गया, इसलिए मैंने इसको कार्बन को छूटाया। तो देखो ये ऐसा होना चाहिए डिस्क पैड,
और ये पकड़ मजबूत बनाएंगे, ये वाला पकड़ नहीं मजबूत बनाया क्योंकि हार्डनेस आ गई है, तो बहुत सारा डस्ट निकला, इसको रेगमार से क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, डिस्क भी हमने क्लीन कर ली, ठीक है, और ये डिस्क पैड भी बढ़िया से क्लीन कर ली, और ये कंडीशन है, अभी देख सकते हैं पैड की कंडीशन, बढ़िया पैड, तो बहुत ज्यादा थिकनेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ब्रेक जाम मार दिया ना गलती से भाई, वहीं खस से नहीं रुकेगी गाड़ी। ठीक है तो भाई इसका प्रोसेस कंप्लीट करो, इधर का टायर पैड लगाओ, चलो ये बस।